अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लौंजी, जिसे कहते भी हैं अचार। अचार कम से कम 4 दिन में तैयार होता है और ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती हैं और होती बड़ी मज़ेदार सी हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी ये है कि ये आधा किलो हमने केरियाँ ले ली हैं और एक पाव हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों में हमने इस तरह इनको पेट चाक करके हल्का हल्का सा नमक भर दिया है, और हमने एक लहसुन की कली ले ली है, उसको पूरा छील लिया है, और इसके अंदर डलने का सामान ये है, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, सौंफ, जीरा और कलौंजी, मेथी दाना, नमक, पिसा हुआ धनिया और हल्दी, और ये है कुटी हुई मिर्चें। ये सब चीज़ों को हम इसका बिस्मिल्लाह इन सब चीज़ों को हम एक बर्तन में डाल के इसका लिक्विड बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने चीज़ें एक बाउल में डाल दी। अब इसमें हम पानी डाल देंगे तो ये इस तरह इसका लिक्विड तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसको मिला दिया है, ये सब चीज़ें हमने मिला दी हैं। और अच्छा जी, अब हमने तेल गरम होने को रख दिया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पहले ये लिक्विड, फिर इसके ऊपर डाल देंगे हम केरियाँ, फिर हम डाल देंगे हरी मिर्चें और लहसुन, और दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे, उसमें केरियाँ गल जाएंगी और बड़े मज़ेदार सी हमारी लौंजी तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताऊँगी कि ये देखिए, मैंने लिक्विड वो गर्म होने को रख दिया था। अच्छा, ये चीज़ बताऊँगी कि कढ़ाई हमेशा सिर्फ सिल्वर की लेना, लोहे की कढ़ाई में मत बनाइएगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में टेस्ट लोहे का आ जाता है तो उसका जायका बहुत ख़राब हो जाता है। ये सिल्वर की कढ़ाई में बनती है तो ज़्यादा मज़ा आता है, लोग बनाने वाले पतीले में भी बना लेते हैं, लेकिन कढ़ाई का मज़ा एक कढ़ाई का होता है, तो उस लिहाज से। और अच्छा, ये हम अचार के तौर पर बना के रख सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मेरा तेल हो गया है, अब ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें एक दो चम्मच चलाऊंगी और फिर मैं इसके अंदर ये केरियाँ, मिर्चें और लहसुन ऐड कर दूंगी, तो इसी के अंदर ये गल जाएंगी। बिस्मिल्लाह, और बड़ी मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी हमारी लौंजी तैयार हो जाएगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और जब बनाएं तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसीलिए आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं कि आप लोगों को पसंद आए, और नई से नई चीज़ लेकर आते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे। और ये आधा किलो केरी का सामान है, ये देखें, हमने केरियाँ डाल दी। अब इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे, इसके ऊपर हम हरी मिर्चें डाल देंगे, अच्छा जी। मैं ये बता रही थी कि ये आप पूरे साल भी रख सकते हैं बना के, लेकिन बशर्ते कि इसको आप जिस बर्तन में रखें तो वो बर्तन घेरा हो, घेरा इस हिसाब से कि इसके ऊपर तेल खड़ा रहता है तो इसके अंदर फफूंद नहीं आती है, और अगर तेल कम होगा तो फफूंद आ जाती है। तो ये है कि बर्तन घेरा होता है और जितनी गर्मी पड़ती है ना, तो बाकायदा तेल में इस तरह खटकी आती है, जिस तरह हम सालन गर्म पे रखते हैं उसमें खटकी आती है। तो बर्तन छोटा होता है तो तेल बाहर निकलने लगता है, और अगर बर्तन बड़ा होता है तो उसके अंदर खटकी आके तेल अंदर ही रहता है, इस तरह तेल ज़ाया नहीं होता। और ये जितना पुरानी होती रहती है उतना इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता रहता है। जिस तरह अचार होता है, जितना पुराना होता है उसकी खुशबू और उसका जायका बहुत बहुत मज़ेदार हो जाता है, इसी तरह इसका है कि ये झटपट तैयार हो जाती है, होती बहुत लजीज है। अच्छा, इसी का मीठा मुरब्बा भी बनता है, मैं किसी दिन आपको वो भी बताऊंगी। चलें, अब थोड़ी देर के लिए हम इसे दरमियानी आंच पे ढक देंगे, तो इस तरह ये इसी के अंदर गल भी जाएंगी, और इसका पानी जो हमने लिक्विड डाला है ये खुशक हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो समझिए ये हमारी लौंजी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमने दरमियानी आंच पे रख दिया था,
अब हम देख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। ये देखें, आपको मिर्चें गली हुई नज़र आ रही होंगी, यूँ ही नुमाया। ये देखिए, अब इसमें हमने केरियाँ भी गल चुकी हैं और ये तेल इसका इस तरह ऊपर आया हुआ है ना। अब ये उसी में जो हमने लिक्विड बनाया था उसमें ये फ्राई हो गई हैं। बड़ी मज़ेदार की खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी तरह प्यारी प्यारी वीडियो देखते रहिएगा।